भाग भाग रंडी भाग, ऐसे ऐसे उल्टा सीधा गाड़ी देखा। हम लोगों को सर बार बार चमार करते हैं, रोज बोलते हैं जैसे नाली की नाली कितने साफ कर लो, नाली साफ नहीं होती वैसे तुम लोगों की जात है। बोलते हैं कि मारूंगा तो ओकते मुत्ते घरे जाओगे, बोलते हैं तुम लोगों के ऊपर थूकना चाहिए। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली की कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोगों को। जौनपुर में शिक्षक द्वारा छात्रों को जाति सूचक शब्द बोले जाने के मामले में छात्रों और उनके परिजन एक बार फिर थाने पहुंचे। लोग न्याय की उम्मीद लगाए पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे थे। मामले की सूचना मिलते ही CDO जौनपुर घटना की जांच करने गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर शिक्षक को नौकरी से हटा दिया गया है। चंदवक थाना क्षेत्र के ज्ञानदायिनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय कसीली के शिक्षक सभाजीत पर आरोप है कि वे आए दिन छात्राओं और छात्रों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते थे। छात्राओं ने परिजनों से शिकायत की तो परिजन स्कूल पहुंचकर हंगामा करते हुए शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उस वक्त मौके पर पहुंचकर पुलिस और अन्य आला अधिकारियों ने समझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन मामले में न्याय न मिलने पर एक बार फिर सब चंदवक थाने पहुँचे और न्याय की गुहार लगाई। इसलिए आए हो थाने पे? न्याय के लिए आए। क्या हुआ था? हम लोगों को हमेशा चमार जात के हमेशा बोलते रहते हैं। कौन बोलता रहता है? सीधा बोलते हैं सब आज से। तो उस दिन आए थे तो सुनवाई नहीं हुई थी? नहीं हुई थी, आज हमने दोबारा आए। क्या नाम है? आचल जैसे। अच्छा, थाने पे? न्याय के लिए। क्या हुआ था? उस दिन सभाजी सर कहते हैं कि जैसे गंदी नाली में कीड़े रहते हैं वैसे ही तुम लोगों की जात है। तो उस दिन भी तो आए थे, तो क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई इसलिए आज। आज दोबारा आई हो? क्या नाम है? श्रेया भट्टी। एक बीते जो दो तीन दिन पहले एक वीडियो वायरल जो हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम में, कसली गाँव एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चियों ने आरोप लगाया था मास्टर साहब के ऊपर कि उन्होंने जाति सूची गालियाँ दी। तो उसी संबंध में जांच करने के लिए और बाकी बच्चों से वार्ता करने के लिए हम और BSA साहब और BDO साहब सब लोग गांव गए और बच्चों से भी वार्ता की हमने और परिवारजनों से भी हमने वार्ता की है। और इस संबंध में अगर कराना चाहेंगे कि वो संबंधित के खिलाफ जो मास्टर साहब उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखी गई है और वो विद्यालय से जो ही नौकरी भी खत्म कर दी गई है और वो प्राइवेट विद्यालय थी और सारे बच्चों से भी हमने वार्ता की है। वहाँ पे सारे बच्चे अब पढ़ने में जो है रुचि ले रहे हैं और बाकी मास्टर साहब और इन सबको हमने निर्देशित किया है कि पेरेंट टीचर मीटिंग करके गांव के सभी लोगों से वार्ता करके एक अच्छा माहौल बनाया और बच्चों की जो विद्या है उसको संबंधित थाने में जो है तहरीर दी गई है और FIR भी लिखी गई है और कार्रवाई पुलिस के सबसे अभी पेंडिंग। कहते हैं कि चमार लोग को चमार लोग की औकात है कि हमारे घर के पीछे घास छीलने का। हम लोग को बोलते हैं कि तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, नहीं तो तुम्हारी कभी जात सुधरेगी, नाली की कीड़े जैसे तुम्हारी जात है चमरोटी, ऐसे ऐसे बोलते हैं हम लोगों। तुम लोग चमार की जात हो, कुत्ती हो, कुत्ता हो। एक मैडम है कुसुम मैडम, वो हम लोग को बोली कि तुम लोग यहाँ चमरोटी बनाई हो, यहाँ आकर झगड़ा कर रही हो, निचपना खोली हो। एक डंडा लेकर हम लोग के सर पीछे पीछे वहाँ पे गई थी, पेड़ के पीछे गई थी। हम लोग बोले कि आपको गलती माननी चाहिए, आप एक बार गलती मान लें हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन वो गलती नहीं मानी, पीछे पीछे उल्टा सीधा बोलकर पीछे पीछे जा रही थी। हाँ, डंडा हाथ में ले थी, डंडा हाथ में लेकर चमार बोल रही थी, निचपना बोल रही थी। औरतों का बहिष्कार कर रहे थे वहाँ पे, तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोग कोई काम नहीं, मतलब बच्चों को मारकर भगाए, चिनरी बुजरी का गाड़ी माताजी बनकर गाड़ी, क्या स्कूल में क्या नौटंकी चल रहा है यहाँ पे? भाग भाग रंडी भाग, कुसुम बोलनी है। कुसुम तिवारी, ज्ञानदायिनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय कसली डोबी जौनपुर। पहले सुबह में जब विद्यालय ओपन हुआ तो तीन औरतें आई और यहीं बैठी तो बोली कि वो जो है सर कहाँ हैं, उनको हम जो है हम लोग उनसे मिलेंगे, हम लोग उनको जो है बताते हैं। हम कहे कौन सर? कहे वो लड़कों को बोले हैं चमार बोले हैं। हम कहे कि कौन सर बोले हैं? हमको तो पहले से कोई जानकारी थी नहीं, तो हम कहे कौन? तो तीनों औरतें लगी झगड़ा करने, कहे कि वो बोले हैं। हम लोगों का हाथ जोड़ी कि आप लोग जाइए, आप लोग जाइए,
आप लोग यहाँ पर विद्यालय शुरू हो गया है, आप लोग विद्यालय डिस्टर्ब मत करिए, आप लोग चले जाइए। हम लोग उनको अपने स्तर से समझाते हैं, क्या बोले हैं वो उनसे पूछते हैं, बच्चों को भी बुलाते हैं जिनको बोले हैं उनसे भी पूछते हैं। यही सभाजी, हाँ इन्हीं को कह रहे हैं, पता नहीं वो ये कहे कि नहीं कहे। अब बच्चे भी आकर हमसे नहीं कहे कि हमको मैडम ऐसे सर ने बोला है, हमको पहले से कोई जानकारी नहीं बोलते। ऐसा कोई टीचर किसी को बोलेगा क्या? इस बात में कोई सत्यता नहीं है। आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं भाई, तो हम क्या कर सकते हैं।